नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, मिलकर मनाइए क्रिसमस। देखिए, आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, वो टॉपिक आप ये कहेंगे कि कलाकार। कलाकार क्या है? कलाकार एक वह कलाकार है जो अपने मन से, अपने मन के मनोभावों को व्यक्त करके कुछ चित्र की रचना करता है, किसी चित्र की रचना करता है। या फिर ये कहेंगे कि जो कलाकार होता है, जो उसके मन में होता है, या फिर जो वो इधर उधर देखता है, उससे जो वो महसूस करता है, उसी को वह अपने कैनवास पर उतारता है। लेकिन अगर हम वहीं पर मूर्तिकारों की बात करें, तो मूर्तिकार मूर्तिकार भी वहीं से निकल कर आता है। मतलब कुछ क्रिएटिव करना जो दिमाग में है, या फिर आप ये कहेंगे जो आसपास से देखकर हम लोग प्रेरित होते हैं, उस चीज को अपने हिसाब से गढ़ना, क्या कहेंगे हम, मूर्तिकार कहलाता है। ठीक है, उस हिसाब से गढ़ना, जो उसको गढ़ता है, उसको हम मूर्तिकार कहते हैं। आज मैं एक ऐसे ही मूर्तिकार की बात करने जा रही हूँ आपके सामने, जिन्होंने अपनी कला में नए प्रयोग किए। वैसे तो आपने बहुत सारे आर्टिस्ट पढ़े हैं, लेकिन अगर आप इनके बैकग्राउंड की भी बात करें, तो वो भी एकदम डिफरेंट था, सबसे डिफरेंट। जैसे आज मैं बात कर रही हूँ मृणालिनी मुखर्जी की, इनके पिताजी की बात करें विनोद बिहारी मुखर्जी, वो जन्म से ही अंधे थे, और अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने कला, देखिए लिखना एक अलग चीज होती है अंधेपन में, लेकिन मैं ये कहूंगी कला बनाना, आर्ट करना, वो बहुत मुश्किल काम है, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया। वैसे ही थी उनकी पुत्री मृणालिनी मुखर्जी, उन्होंने भी अपने कला प्रयोग से नए नए प्रयोग किए, जो आज उनके मूर्ति शिल्प आप दिल्ली संग्रहालय में बहुत आसानी से देख सकते हैं। अपने मूर्ति शिल्पों में उन्होंने जूट की रस्सी का प्रयोग किया और बहुत ही अद्भुत मूर्ति शिल्प बनाए। तो जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी के बारे में। मृणालिनी मुखर्जी, देखिए ये क्या थी, मूर्तिकार थी। इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? एक मूर्तिकार के रूप में, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रही है ये। जन्म हुआ था इनका 1949 ईस्वी में, जन्म 1949 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? स्थान है मुंबई में। इनके पिता सुप्रसिद्ध चित्रकार, पिता के बारे में लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया ही है इनके पिता के बारे में, क्योंकि इनके पिता एक सुप्रसिद्ध चित्रकार ही नहीं, ये कहेंगे कि मतलब हमारे लिए एक मिसाल थे। बहुत कुछ देखिए हम आर्टिस्ट से सीखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि विनोद बिहारी मुखर्जी को जब भी मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंधे होकर इतना कुछ कर सकते हैं, इतनी अच्छी कृतियां बना सकते हैं, तो फिर हम आंखों के रहते हुए क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो ऐसे कलाकार हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। चलिए लिखते हैं, इनके पिता सुप्रसिद्ध चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी, इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी, ये विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री थी। स्नातक किया था इन्होंने, देखिए किसने, मृणालिनी मुखर्जी ने स्नातक किया कहां से? पेंटिंग में, बड़ोदरा विश्वविद्यालय से। बड़ोदरा विश्वविद्यालय से इन्होंने पेंटिंग में यहां से स्नातक किया था, स्नातक की पढ़ाई की थी। किसके सानिध्य में? तो लिखेंगे यहां पर जो इनके गुरु थे वह केजी सुब्रमण्यम थे, केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में रहकर इन्होंने यहां से शिक्षा प्राप्त की थी। अब लिखते हैं इनके बारे में, देखिए इन्होंने अपने शिल्पों में उपयोग किया, शिल्पों में उपयोग किया जूट की रस्सी, जूट की रस्सी देखी है आपने, आजकल मेरे ख्याल से हर घर में होगी, जूट की रस्सी, सुतली डोरी, इन सब चीजों से, सुतली डोरी, इन सब चीजों से प्रयोग इन्होंने किया और बहुत ही सुंदर शिल्प बनाए।
जो इनके शिल्प आज देखेंगे आप, मैंने भी देखे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अब हम लिखते हैं आगे, पहली भारतीय कलाकार थी, पहली भारतीय कलाकार थी, किस प्रकार की, क्यों लिखा मैंने पहली भारतीय कलाकार थी, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिनके कार्य को सिडनी और बियनाले में प्रदर्शित किया गया, ये ऐसी भारत की प्रथम महिला कलाकार थी, प्रथम भारतीय कलाकार थी जिनके कार्य को सिडनी और बियनाले में प्रदर्शित किया गया था, जिनके कार्य को सिडनी बियनाले में प्रदर्शित किया गया। ठीक, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए, ये पहली भारतीय कलाकार थी जिनके कार्य को सिडनी और बियनाले में प्रदर्शित किया गया था। ठीक, अब लिखेंगे, देखिए कब प्रदर्शित किया गया था, तो समय भी लिखेंगे। मैं ये सब रब कर देती हूँ, इसके बाद में इनके बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहती हूँ। कब? 1986 ईस्वी में इनके चित्रों को बियनाले में और सिडनी में प्रदर्शित किया गया था। अब देखिएगा, इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया, इनके चित्रों को, इसके पश्चात इनके चित्रों को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, तो इसके पश्चात इनके चित्रों को या इनकी कृतियों को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड में प्रदर्शित किया गया। देखिए, इनकी जो जगह थी वो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इन्होंने अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो चित्रों में अपने एक अलग प्रयोग किया, उससे इनकी एक पहचान बनी थी अलग, तो वो पहचान थी। देखिए, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑक्सफोर्ड में इन्होंने प्रदर्शित किया। कब किया? क्योंकि इसके बाद था, तो 1994 में ईस्वी में इनके चित्रों को ऑक्सफोर्ड में प्रदर्शित किया गया। इनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, प्रथम एकल प्रदर्शनी ये लगाई गई थी दिल्ली में, नई दिल्ली के श्रीधरानी आर्ट गैलरी में, नई दिल्ली में लगी थी। और कब लगी थी? तो 1972 ईस्वी में इनकी ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। अब देखिएगा, इनके कुछ प्रमुख चित्र मैं आपको लिखवा देती हूँ, या प्रमुख कृतियां, क्योंकि मूर्ति शिल्प हैं तो कृतियां ही बोलेंगे हम, चित्र तो नहीं बोल सकते। ठीक, प्रमुख कृतियां देखेंगे। वंश्री, वंश्री इनकी काफी फेमस रही है, और जूट और रस्सी के, जूट की जो रस्सी है उसी को इन्होंने लपेट कर बनाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। वुमेन ऑफ पिकॉक, वुमेन ऑफ पिकॉक, वुमेन पे इन्होंने काफी सारे चित्र बनाए हैं, काफी सारे मूर्ति शिल्प इनके हैं। अब लिखेंगे, नाइट ब्लूम, नाइट ब्लूम, वाटरफॉल, देवी, पक्षी, बसंती, बसंती,